Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. और अभी 12 o'clock होने वाले हैं, 11:30 हो चुके हैं. आज है वेडनेसडे और आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, तो राम और प्रिंस तो खा लिए हैं. लेकिन कल जिया लेट नाइट तक जगती रही, तो अभी तक वो सोई है. उठा चुकी हूँ कई बार, लेकिन सोई है. ठीक है, सोने देती हूँ. और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी. तो फिलहाल घर पे झाड़ू पोछा हो रहा है, मेड आ चुकी है, तो बस उसके करने के बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी. केले तो बहुत मज़ेदार हो रहे हैं. यही है, कितनी अच्छी धूप आ चुकी है. आज वैसे थोड़ा ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा ना, पता नहीं. जिस दिन बोलती हूँ ठंडा लग रहा है करके, उस दिन दोपहर में ऐसी गर्मी शुरू हो जाती है, ऐसी गर्मी कि बस. और ऐसे लगता है जैसे आज ठंडा तो थोड़ा लग रहा है, सुबह से अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं कब वेदर चेंज हो जाए और कब सूर्य भगवान जी अच्छा खासा गर्म कर दे माहौल. तो ठीक है, हल्का हल्का धूप अच्छा लगता है, हल्का हल्का ठंडा हवा कितना अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है. जिया देखिए, जिया उठ नहीं रही है, और जिया उठ जाती है तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाता है. उठ जाओ जिया. हेलो. चलो उठो. बहुत लेट से उठती है आजकल, और लेट नाइट तक जगती रहती है ना. तो मेरा इसके इंतजार करते करते 12:30 हो चुका है, 12:30 बज गया. चलो उठो, नाश्ता भी नहीं की है. चलो पानी पियो. सोते सोते भी नाश्ता करते हैं भला. उठ तो जाओ कम से कम. दाल मैंने साफ पानी से धो के भिगा दिया था. हल्दी, नमक डाल दूंगी और एक छोटी टमाटर डाल दूंगी इसी में कट करके, और इसको गैस पे चढ़ा दूंगी. ऐसे ही मैं चावल को भी आधा एक घंटा पहले से भिगा देती हूँ. अब इसको भी चढ़ा देती हूँ. प्याज, लहसुन, अदरक, एक इलायची और थोड़ा सा शाही जीरा. जावित्री लूंगी, क्योंकि ये जावित्री बहुत का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, इसलिए छोटा ही लूंगी. ये काजू इतने सारे. और इससे पहले ही मैंने खसखस दाना को गर्म पानी में भिगा दिया है. पानी डाल लूंगी, अच्छे से उबालूंगी. इसमें से सारे पानी सेक दिए. अब इसको मैं जार में ले लूंगी. इसमें जो गर्म पानी में मैंने खसखस दाना भिगाया था उसको भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से पीस लूंगी. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. अच्छे से पीस गई है. कढ़ाई में तेल ले लेंगे. अब पेस्ट है, इसको इसमें डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी. पनीर ले लिया है, इक्वली कट कर लूंगी. ये मैं ताजा मलाई ले लूंगी और इसी में थोड़ा सा दूध. दही ले लिया है,
इसको अच्छे से फेंट लूंगी। और इसी में ये जो पक रहा है प्याज वाला पेस्ट उसमें डाल दूंगी। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल के मलाई वाला दूध मैं इसमें डाल दूंगी, उबालने दूंगी। तो मलाई पनीर कोरमा बना रही हूँ तो उसमें मलाई की जरूरत तो है ही है। मलाई कैसे व्हाइट दिखती है तो इसलिए ये व्हाइट ग्रेवी रहेगा। तो ये पक रही है और अब दूसरी तरफ मैं इस पनीर को घी में सेलो फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा ही। हम जरा सा घी ले लेंगे, इसमें पनीर को डाल दूंगी। इसको हल्का ही भूनूंगी मैं, ज्यादा नहीं। इसको मैं डाल दूंगी ग्रेवी में। ये हमारी ग्रेवी उबल चुकी है। अगर आपको पानी डालना है तो इस स्टेज पे इसी में गर्म पानी थोड़ा सा डाल के डाल सकते हैं, मगर जिया बोल रही है पानी मत डालो तो मैं पानी नहीं डालूंगी। इसको ऐसे ही थिक ग्रेवी में रखूंगी। ये बस इतना सा सफेद मिर्च पाउडर डालूंगी और ये तैयार है। ये देखिए हमारे टमाटर वाले दाल रेडी हैं। अब इसको मैं छौंक लगा दूंगी। डाल दूंगी इसमें लहसुन, एक मिर्ची, सरसों, थोड़ा सा जीरा। तड़का को दाल में डाल दूंगी और दाल रेडी है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग बिना बघार वाला ही दाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी मजा आता है। चावल पिसाने के लिए मैं दूंगी। चावल का आटा खत्म हो गया है और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं फिर भी मेरे। और ये मैंने वैक्स को निकालने की कोशिश की और वो निकल गया है। और खाना रेडी हो गया है और देखिए कितनी अच्छी धूप, अभी तो अच्छी लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। कपड़े धुल चुके हैं, इसको निकालना है। प्रिंस उठो, पूरा फैला के बैठा हुआ है, चलो उठो। मेन रिव्यू आ रहा है जिया की तरफ से। इसने पहले भी टेस्ट कर लिया है खाली, लेकिन पूरा पूरा बनने के बाद। हाँ रोटी मुझे भी, अगर मुझे भी ज्यादातर ऐसे पनीर वनीर की सब्जी, रोटी है, नान है, पराठा, पूड़ी, इन सब के साथ ज्यादा पसंद है। राइस तो ठीक है बट पराठा, पूड़ी, रोटी मजा आ जाता है। बिल्कुल मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोगों को ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी लगेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको पनीर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये देखिए पनीर, आप चाहें तो हरी धनिया डाल सकते हैं, लेकिन जिया चुपके मना कर दी इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ले आई हूँ मैं अपने लिए चाय। दिख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे तोते हैं। और ये सारे तोते इधर से उधर नाचते रहेंगे। अभी तो कम ही दिख रहा है, एकदम 6 बजता है ना तब जाके इन लोग इधर से उधर तेज पूरे ग्रुप में जाते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये सब तोते थे। इसे मैंने यहाँ पे जमा दिए हैं, जैसा कि आपको बोल रही थी, कंघी वगैरह के लिए, पाउडर के लिए, तेल, क्रीम। और इसी तरीके से ड्रेसिंग जिया के रूम में रहता है, लेकिन मैं ये ड्रॉर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये
मोबाइल के ऊपर वाला कवर है, तो इस तरीके से मैंने इसको रीयूज़ कर दिया है। यहाँ पे मेरे सारे क्लिप्स ये सब रहते हैं। और यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक का ऑनलाइन मंगाया था, तो ये पार्टीशन कर देता है। तो यहाँ पे सारे बिंदी, ये लिपस्टिक और ये परफ्यूम और ये एक्स्ट्रा सामान, ये ईयरफोन ऐसे यहाँ पे ये रखती हूँ, बस ये ऐसे ही जमा है। और हम लोग तैयार हो चुके हैं माता रानी के आरती के लिए, गरबा खेलने के लिए। तो अगर जैसा वहाँ सूट कर से बनता है तो सूट करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।